हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड रंग का बटन है ये, इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में एक बेल का आइकन भी है, इसको भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं प्रश्नावली 13.4। यहाँ पर हम 13.4 की सभी क्वेश्चन यानी कि 16 के 16 क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से इजी मेथड से आपको कराएंगे। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से करने के लिए पहले इसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम इसका समझाते हैं आपको बेसिक। तो बेसिक के क्रम में देखिए, सबसे पहले है यादृच्छिक चर। क्या है यादृच्छिक चर? तो ये होता है, इसमें ऐसे हुआ यादृच्छिक चर, यहाँ ला के इस तरह से लगाएंगे यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल। तो यादृच्छिक चर वह फलन है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। क्या होता है यादृच्छिक ये यादृच्छिक चर वह फलन है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए दो कॉइन है, ठीक है, अगर हम उस कॉइन को उछालते हैं तो उसके ये केस बनेंगे। क्या क्या केस बनेंगे? दो हेड, एक हेड, एक हेड ऐसे ऐसा आ सकता है या कोई हेड नहीं, यानी कि दोनों टैब, ठीक है। तो इसे जो बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस या यादृच्छिक परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं इसे? यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि एस जो कहलाता है वो सैंपल स्पेस कहलाता है, ठीक है। और इसमें जो संख्या होगी यानी कि हेड की या टेल की जो संख्या होगी उसे हम यादृच्छिक चर कहते हैं। जैसे हम हेड की संख्या की बात करें तो हेड इसमें देखिए क्या है, एच एच, यानी कि इसमें कितने हेड है इसके अंदर? दो। और इस वाले में एच टी में हेड कितने हैं? एक। और टी एच में हेड कितने हैं? वो भी एक। और टी टी में हेड क्या है? जीरो। यानी कि आप केवल एक ही देखेंगे, या तो हेड देखेंगे या टेल देखेंगे। इसे टेल को भी कर सकते हैं कि इसमें टेल कितने हैं? कोई नहीं। इसमें टेल कितना है? एक। इसमें टेल कितने हैं? एक। इसमें टेल कितने हैं? दो। तो ये जो संख्या होती ये वाली हेड अथवा टेल की, तो ये जो संख्या होती इसी को हम बोलते हैं यादृच्छिक चर। क्या बोलते हैं इसको? यादृच्छिक चर या रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और इसको हम कैपिटल एक्स से डोनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे एक्स इज इक्वल टू जीरो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें यादृच्छिक जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब कोई भी टेल नहीं है। तो कोई भी टेल नहीं है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/4। अब जैसे निकालें पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 टेल की, तो 1 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितने 1 टेल? एक ये है, एक ये 2/4। इसी तरह से पी एक्स इजिकल टू 2 क्या हुआ? ये भी 1 टेल की प्रोबेबिलिटी हुई। एक्स इजिकल टू 2 क्या होगा? 2 टेल की प्रोबेबिलिटी। तो 2 टेल कितने किसमें है? इसमें है, यानी कि 1/4, ठीक। और इसकी खास बात ये होती है कि इन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब प्लस करके आप देख लें इस तरह से, और अगर वो बन आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन है क्या है वो सही यादृच्छिक चर निकाले, यानी रैंडम वेरिएबल जो निकाले वो आपने बिल्कुल ठीक निकाले। तो हम यहाँ जोड़ेंगे, देखिए कितना आ गया, 4/4। अगर प्रायिकता का यानी यादृच्छिक चर पर प्रायिकता का जो योग है वो बन आ रहा है तो इसका मतलब आपके जो रैंडम वेरिएबल है वो सही है। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या हुआ? 0, 1 और 2, ठीक है। रिपीट होता है तो उसे लिखते एक ही बार। तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है देखिए यादृच्छिक चर की प्रायिकता का बंटन। यादृच्छिक चर की प्रायिकता का बंटन क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। तो यादृच्छिक चर की प्रायिकता का बंटन, तो एक्स जो कहलाता है वो यादृच्छिक चर कहलाता है, और इनकी जो प्रायिकता होती है उनको हम पी से लिखते हैं, ठीक है। और इसको इस टेबल के रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे अभी हमने निकाला था एक्स बराबर क्या था? 0, और ये 1, और ये। तो 0 की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अभी हमने निकाली थी, कितनी थी? 1/4। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? ये थी 2/4। और दो नंबर पे जो दो टेल वाली प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी? 1/4।
तो इस प्रकार का जो टेबल है इसी को हम बोलते हैं यथोचित चर का प्रायिकता बंटन। यहाँ खास बात ये होती है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ये वाली नीचे वाली, इन सब का जो सम होता है वो वन होता है। तो इस टेबल को ही हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन कहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो रैंडम वेरिएबल है उन पे जो प्रायिकता उनका जोड़ वन होना चाहिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, यादृच्छिक चर का माध्य। अब देखिए यादृच्छिक चर का माध्य क्या होता है, तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था यादृच्छिक चर का माध्य, इनकी प्रोबेबिलिटी यादृच्छिक चर और प्रायिकताओं का जो गुणनफल होता है, यादृच्छिक चर और प्रायिकताओं का जो गुणनफल होता है ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक चर का माध्य बोलते हैं। तो इसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ, जैसे क्या था यहाँ पे, अभी मैं लिख देता हूँ, जैसे हमने अभी निकाला था ये यहाँ एक्स और ये पी कितना 0, 1 और 2, यहाँ पे हमने निकाला, देखिए 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। तो देखिए यहाँ 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी, यहाँ पे 0 पे प्रोबेबिलिटी थी 1/4 और ये 2/4, 1/4। एक बार और देख लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे यही थी 1/4, 2/4 और 1/4 ठीक है। तो अब देखिए यादृच्छिक चर और प्रायिकता का जो गुणनफल होता है उसे हम बोलते हैं माध्य, और इसको हम लिखते हैं ई एक्स या म्यू से। क्या होगा इसमें माध्य, 0 × 1/4 प्लस 1 × 2/4 प्लस 2 × 1/4। तो इसे हम फॉर्मूले के रूप में यूँ लिख सकते हैं कि माध्य ई एक्स या म्यू भी बोल देते हैं इसको, ये होता है सिग्मा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर लिखेंगे एक्स आई और यहाँ लिखेंगे पी आई। तो इसे हम फॉर्मूले के रूप में भी इस तरह से याद कर सकते हैं, माध्य बराबर आई वेरिंग फॉर 1 to n एक्स आई पी आई, या पी को पहले लिख लीजिए एक्स को बाद में लिख लीजिए ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेसे यादृच्छिक चर का प्रसरण और मानक विचलन। अब प्रसरण क्या होता है, इसका भी सूत्र होता है। चलिए अब समझते हैं यादृच्छिक चर का प्रसरण और मानक विचलन। देखिए ये जो कहलाता है यादृच्छिक चर कहलाता है, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और ये जो कहलाता है यादृच्छिक चर की प्रायिकता यानी कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी। अगर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी आपस में, यानी x1 की p1 से, x2 की p2 से, और इन सबको प्लस कर देते हैं, तो ये कहलाता है यादृच्छिक चर का माध्य। क्या कहलाता है, माध्य। इसको हम ई एक्स या म्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम जो म्यू या ई एक्स से डिनोट करते हैं ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका शॉर्ट में इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, ई एक्स इजिकल टू आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई पी आई ठीक। यहीं पे अगर हम इसके स्क्वायर का यानी एक्स के जो यादृच्छिक चर है, रैंडम वेरिएबल है, इसका वर्ग करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ई एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, ई एक्स स्क्वायर ठीक है। और ई एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व इसको इसको जो फॉर्मूले के रूप में हम इस तरह से याद करते हैं, ई एक्स स्क्वायर बराबर होता है आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई का स्क्वायर पी आई, चाहे इस तरह से कर लीजिए। कहने का मतलब ये कि एक्स का वर्ग करके पी से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए प्रसरण या वेरिएंस, वेरिएंस इसे कहते हैं वेरिएंस, ये जो कहलाता है ये कहलाता है प्रसरण या वेरिएंस, यानी कि क्या है कि इसमें से इसका वर्ग करके माइनस कर देते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले का वर्ग करके माइनस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले का यूज होगा। और वेरिएंस का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, उसे ही हम कहते हैं मानक विचलन। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, यहाँ सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा से भी डिनोट करते हैं वेरिएंस को, सिग्मा स्क्वायर बराबर ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर ठीक। तो मानक विचलन क्या होता है, इसका वर्गमूल। तो इसको देखिए हमने स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया तो ये हो गया मानक विचलन, या जो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे उस पर हम अंडर रूट लगा देंगे तो ये कहलाएगा मानक विचलन। या हम इसको ऐसे ले देते हैं, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू बी ए आर, बी आर का मतलब वेरियंस, वेरियंस का मतलब प्रेषण ठीक है, अंग्रेजी में वेरियंस बोलते हैं हिंदी में प्रेषण। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम ये पूरी प्रश्नवाली करेंगे। चलो चलिए करते हैं हम एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको कैसे करना है ये देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटन में कौन सा एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, यानी कि इसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता बंटन नहीं है,
अपने उत्तर कारण सहित लिखिए, सकारात्मक में लिखना, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रायिकता वंटन नहीं है ये हमें बताना। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, कोई भी वंटन, प्रायिकता वंटन तब होता है जब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि नीचे जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इन सब का जो जोड़ है वो बन होना चाहिए। अगर बन आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रायिकता वंटन है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे ये प्रायिकता वंटन नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम प्लस करके देख लेते हैं, तो हमने प्रायिकताओं का प्लस करके देख लिया इस तरह 0.4, और अगर ये बन आता है तो हम लिख देंगे ये संभव है। तो 4 4 8 2 10, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये तो सही है, यानी कि इसमें क्या लिखना है, ये जो है प्रायिकता यादृच्छिक चर के लिए संभव है। क्यों है? क्योंकि प्रायिकताओं का जो योग है 1 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यादृच्छिक चर की प्रायिकताओं का जो योग है वो 1 है, अतः यादृच्छिक चर के लिए संभव है, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, देखिए इसमें भी बिल्कुल सेम हमें वही करना है, लेकिन यहाँ पर हम देख बात देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो प्रोबेबिलिटी माइनस में दे रखी है, तो यहाँ पे केवल आप ये तर्क भी दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे यादृच्छिक चर 3 के लिए जो प्रायिकता है वो माइनस में दे रखी है, जबकि प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः ये जो है प्रायिकता बंटन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से देखिए तीसरा वाला, तीसरे में हम जो के देख लेते हैं 6 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, इनको जोड़ लेंगे तो 6 1 7 2 9, 9 आ रहा। हमने क्या बताया था कि इसका जो सम है वो बन के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 से छोटा आ रहा है, तो 1 से छोटा आने का मतलब क्या है कि 0.9 जो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये प्रायिकता बंटन नहीं है। तो क्या लिखेंगे तर्क में, क्योंकि यहाँ पे दिए गए चरों की प्रायिकताओं का जो जोड़ है वो 1 नहीं है, अतः यह प्रायिकता बंटन नहीं है। तो यहीं पे आप देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कर रहे हैं, तो इनको भी जोड़कर कर ले देख लेते हैं कितना आएगा। तो 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 और प्लस 0.05, अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, पहले यहाँ पे चलिए 0 0 मान लेते हैं ऐसे करके, क्योंकि तो दो दो अंक हैं, तो इनको प्लस कर लेते हैं। जब प्लस करेंगे तो 30 20 50 50 40 हो गए, 90 90 10 100, यानी कि ये हो गया 105। तो कितना आ रहा है इनका जोड़ जो आ रहा है वो 105 आ रहा है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे यानी 0.01। अब ये क्या देखिए 1 से बड़ा है, जबकि इनका जोड़ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि दिए गए चरों की जो प्रायिकताएं हैं उनका जोड़ 1 से अधिक है, अतः यह प्रायिकता बंटन नहीं है, या यूं कहें कि यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ गया, अब इसमें देख लेते हैं। एक कलश, क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। एक कलश में 5 लाल 2 काली गेंदे हैं, ये दो गेंदे यादृच्छिक निकाली गई हैं। मान लीजिए एक्स काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो एक्स के संभव मान क्या होंगे, क्या एक्स यादृच्छिक चर है? तो जी देखिए यह एक्स यादृच्छिक चर तब होता है जब एक्स यादृच्छिक चर की जो प्रायिकताएं होंगी उनका जोड़ बन हो जाए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, तो हमसे कहा एक्स के संभावित मान, तो इसमें 2 काली गेंदें निकाली गई हैं, तो वे 2 काली गेंदें निकाली गई हैं, जो हम निकालेंगे 2 काली, वो ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों काली हो, दो में से एक काली हो, या कोई काली ना हो। तो क्या क्या संभावित मान हो सकते हैं, कोई काली गेंद ना हो, एक काली गेंद हो और 2 काली गेंद हो। देखिए एक बार फिर पढ़ लें, एक कलश में 5 लाल 2 काली गेंदें, दो गेंदें यादृच्छिक निकाली गई, मान लीजिए एक्स काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो एक्स के संभावित मान क्या होंगे, तो एक्स के संभावित मान क्या होंगे, दोनों काली हो सकती हैं, एक काली हो सकती हैं, या कोई भी काली नहीं हो सकती। अब हमसे पूछा क्या ये यादृच्छिक चर है, तो एक्स जो यादृच्छिक चर कब होगा, जब इन सब की प्रायिकताओं का जोड़ है वो 1 होगा। तो हम देखो ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, P(x=0), यानी कि कोई भी काली गेंद नहीं है, कोई भी काली नहीं है तो इसका मतलब रेड है। तो यहाँ पर देखिए 5 लाल हैं और 2 काली हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/7। दूसरा निकाल लेते हैं P(x=1), यानी एक काली गेंद है, तो एक काली गेंद, काली कितनी गेंदें, 2 काली, तो हमें कौन सी चाहिए है, काली 2, और नीचे टोटल कितना जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर क्या, कोई भी काली गेंद नहीं है। कोई भी काली गेंद नहीं का मतलब है कि लाल गेंद है, तो कोई भी काली गेंद नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर टू। देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें पांच रेड हैं और दो ब्लैक बॉल हैं, तो एक्स के जो संभावित मान हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्स के जो संभावित मान हो सकते हैं 2, 1, 0, यानी कि दोनों रेड बॉल हो, ब्लैक बॉल हो, सॉरी, पांच काली और दो काली गेंदे हैं, दो गेंदे अच्छे निकाली गई, मान लीजिए एक्स काली, यानी दोनों काली गेंदे हों, एक काली गेंद हो और कोई भी काली गेंद ना हो, यानी कोई भी काली गेंद नहीं है, तो इसका मतलब दोनों कैसी हैं, रेड बॉल है, यानी पांच में से दो जो रेड बॉल है। इसको हमने सोल्व किया, देखिए 5C2 का मतलब दो बार खोलना, 5×4 और नीचे 7×6, जो अपॉन वाला वो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 20, 10/21, 2 से काट देंगे इसको तो 10/21 आ गया। अब देखिए एक काली गेंद हो, जब एक काली है तो एक रेड होगी, ठीक है, तो पांच में से एक, टोटल कितनी, 7C2, ये 7C2 है, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करा, से 5C1 एक बार खोलेंगे, 5, 2C1, 2 और 7C2 खोलेंगे, 7, एक कम करके खोलते हैं, 7×6 अपॉन वाला 2 जो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, 2 से काट देंगे, 16 का आ गया 21/10, ठीक है, ये काट दिया हमने, 2 दिया 6, तो इसी तरह से यहाँ देखिए दोनों काली गेंदे, काली कितनी, दोनों, दोनों ही हमारे पास आ गए, 2C2/7C2, इसको हमने सोल्व करा, 7×6/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2C1 जो, 2C2 जो होता है वो 1 होता है, तो इसे 2 होती है 6, यानी कि 1/6। अब देखिए यहाँ पे हमने इनका जोड़ करा, सबका जो जोड़ आ गया वो कितना आ गया, ये 1 हो गया, ये भी 21, तो 1 आ गया जोड़, ठीक है। तो 1 आने का मतलब क्या है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी, उन सबका जोड़ 1 है, इसलिए ये जो चर दिए हैं वो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो कोई भी चार रैंडम वेरिएबल तब होते हैं जब उन सब की प्रायिकता का जोड़ 1 हो, तो यहाँ पर इन सब की प्रायिकता का जोड़ बना रहा था, ये रैंडम वेरिएबल है। वैसे तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स के संभावित मान पॉसिबल है, इसलिए यह क्या है, एक्स के रैंडम वेरिएबल है या एक्स के यादृच्छिक चर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, मान लीजिए एक्स चितों की संख्या और पटों की संख्या में अंतर को व्यक्त करता है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो एक्स के संभावित मूल्य क्या होंगे। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए एक सिक्के को, एक्स चितों की संख्या, तो एक्स क्या है, चितों की संख्या, तो ये मान लीजिए हेड है और दूसरा क्या है, टेल है, और एक्स जो है वो क्या है, इनका अंतर, यानी कि एक्स जो है अंतर है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा, हमसे कहा है जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो एक्स के संभावित मूल्य क्या होंगे। तो देखिए जब 6 बार उछालेंगे, हो सकता है कि 6 की 6 बार हेड आ जाए, जब 6 की 6 बार हेड आएगा तो टेल तो आएगा 0 बार, हो सकता है 6 में से 5 बार हेड आ गया तो इसका मतलब 1 बार टेल आया होगा, हो सकता है 4 बार हेड आ जाए, जब 4 बार हेड आएगा तो 2 बार टेल आएगा, यहाँ पे एच का मतलब हेड हो गया, टी का मतलब हो गया टेल, और हो सकता है 3 बार हेड आए तो 3 बार टेल आएगा, हो सकता है 2 बार हेड आए तो 4 बार टेल आएगा, हो सकता है 1 बार हेड आए तो इसका मतलब क्या होगा, 5 बार टेल आएगा, और हो सकता है 1 बार भी हेड ना आए तो इसका मतलब 6 बार टेल आएगा, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, एक्स। इनका डिफरेंस क्या हो गया, 6 और 0 का अंतर कितना हो गया, 6, 5 और 1 का अंतर कितना हो गया, 4, 4 और 2 का अंतर 2, 3 और 3 का अंतर 0। देखिए यहाँ पर जो है अंतर जब हम लेंगे तो यहाँ माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, हमें केवल अंतर लेना है। अब चूंकि देखिए ये अंतर जो है ऊपर ही आ चुका है, तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, 0, 2, 4, 6, क्योंकि रिपीट नहीं होता, लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पर, देखिए इसका जो डिफरेंस हुआ वो 2 हुआ, इसका जो डिफरेंस हुआ वो 4 हुआ, यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया, 6 हुआ, तो रैंडम वेरिएबल जो है रिपीट नहीं करना, तो रैंडम वेरिएबल क्या हुआ इसका, एक्स इज इक्वल टू हो गया 0, 2, 4, 6, ठीक है, ये हो गया इसके रैंडम वेरिएबल 0, 2, 4, 6, तो यही हमसे पूछे थे। तो एक्स के संभावित मूल्य क्या होगा, 0, 2, 4, 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, एक सिक्के को 2 उछालों में चितों की संख्या। अब देखिए एक सिक्के को 2 बार उछाले तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से उछाल भी देंगे और उनके केस हम लिख भी लेंगे। 3 सिक्कों को एक साथ उछाले, चलो 3 का भी लिख लेंगे,
और एक सिक्के को 4 बार उछालें। चलो यहाँ 4 बार भी एक बार को हम लिख लेंगे। अगर यहाँ कह दे हमसे कि एक सिक्के को 10 बार उछालें तो उसको लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम जो हमने द्विपद प्रमेय यानी कि वाइनल थ्योरम में जो फॉर्मूला है उसी को हम प्रायिकता में भी यूज करते हैं। तो वहाँ जो फॉर्मूला था उसी को प्रायिकता के रूप में ऐसे यूज करेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। यहाँ एन जो होगा टोटल उछाल होंगे, जैसे हमने यहाँ पे कितने बार उछाला, 3 बार उछाला। जैसे मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो एन की जगह लिख देंगे 3। ठीक है, यानी कि 3। और कितने बार हेड चाहिए, 3 सिक्के को उछालने पर एक बार हेड, तो यहाँ पर एक बार हेड लिख देंगे। पी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। ठीक है, आर क्या होता है, ये वाला नीचे वाला आर होता है, एन सी आर, ये 1 आर हो गया, क्योंकि आगे हेड न आने की प्रायिकता, यानी कि पी जो होगी सक्सेस होगी और क्यू क्या होगी वो फेल। यानी पी क्या होगी, हेड आने की, क्यू क्या होगी, हेड न आने की। ठीक है, तो ये वाली सक्सेस और ये वाली जो क्या होगी फेलर, यानी कि वो चीज़ ना आने की। तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इससे आसान पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू एन सी आर, मैं एक बार वो लिख देता हूँ, पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एन सी आर पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमसे पूछेगा, अगर हमसे पूछेगा फेल होने की तो हम पी को फेल होने की प्रोबेबिलिटी मानेंगे, और हमसे पूछेगा असफल होने की तो पी को हम असफल होने की प्रोबेबिलिटी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो हमसे पूछेगा उसी को हम पी मानेंगे। अगर हमें सक्सेस का पूछेगा तो पी को सक्सेस मानेंगे, और फेल का पूछेगा तो पी को फेल, बाकी दूसरे को हम क्यू मान लेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मैं कर रहा हूँ, मैं इसकी पहले टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 उछालों पर चितों की संख्या। तो देखिए 2 उछाल जब हम उछालेंगे तो ये टोटल केस ये होंगे यहाँ पे। ठीक है, कितने केस होंगे, ये होंगे, यानी कि 2 सिक्के उछाल, दोनों पे हेड हेड आ सकता है, एक हेड आ सकता है या कोई भी हेड नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पूछा है कि चितों निम्नलिखित प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रायिकता भी निकालनी है और हमें उसका बंटन भी बनानी है, नहीं यानी टेबल भी बनानी है। तो इसके एक्स के संभावित मान क्या हो सकते हैं, देखिए हमसे कह रहा है एक सिक्के को 2 उछालों पर चितों की संख्या। तो चितों की संख्या क्या हो सकती है 2 उछालों में, हो सकता है एक बार भी चित ना आए यानी टैल ना आए, हो सकता है कि एक बार टैल आ जाए, और हो सकता है दोनों बार टैल आ जाए। तो इसकी हम टेबल कैसे बनाएंगे, ये छोटा क्वेश्चन है, इसको तो हम बिना उसके, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके बिना भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा यानी कि कई बार उछालेंगे सिक्के को, 5 बार 6 बार, तो हम उसी से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स और ये लिखा हमने इसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए क्या है, पहले लिख दिया हमने 0, 1 और 2। 0 का मतलब यह है कि एक बार भी टेल नहीं है, तो इसमें कौन सा केस ऐसा है जिसमें एक बार भी टेल नहीं है, पहले वाला है। ठीक है, चितों की संख्या मतलब चितपट, अच्छा चितपट का मतलब हेड हो गया, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है हिंदी में। तो चित का मतलब हो गया हेड और पट का मतलब हो गया टेल, तो हेड है यानी। अब इसमें देखना एक ऐसा कौन सा केस है जिसमें एक बार भी हेड नहीं है, तो वो लास्ट वाला है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/4, क्योंकि एक केस ऐसा। अब इसमें क्या है, अब दूसरा वाला देखना है कि जिसमें एक हेड हो, तो एक हेड कितने पे है, 2 केस हैं ऐसे, तो इसकी हो जाएगी 2/4। अब तीसरा हमसे क्या कहा कि 2 हेड हो, तो 2 हेड हो के केस कितने हैं, यहाँ पे केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें 2 हेड है, तो कितना हो गया 1/4। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, इन सबका जो टोटल है वो बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबका टोटल कितना आ रहा, 1 आ रहा, तो इसका मतलब ये प्रायिकता बंटन सही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका प्रायिकता बंटन। अब देखिए इसी को हमें फॉर्मूले से करना होता तो कैसे करते, तो यहाँ पर देखिए पहले हम ऐसे करते पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक सिक्के को कितने बार उछाला, 2 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे एन बराबर 2 बार। और कितने बार हेड चाहिए, एक बार भी हेड नहीं आया यानी ये हो गया 0। हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, तो 1/2 की पावर 0 × 1/q, क्यू की हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2 होगी, तो 1/2 की पावर एन माइनस आर यानी कि 2 − 0। तो अब हम देखिए इसको सोल्व करेंगे, एन सी 0, यहाँ मैं फॉर्मूला बता दूँ कि एन सी 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो एन सी 0 1 हो गया, 1/2 की हाथ 0 ये भी 1 हो गया, और ये 1/2 की पावर 2 − 0 यानी कि आ गया 1/4, तो कितना आ गई प्रोबेबिलिटी 1/4, जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से
अगर हम इसको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे बड़े क्वेश्चन भी आप इसी तरह से करेंगे, छोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। अब देखिए एक बार हेड आया तो कितने बार उछाला हमने, दो बार, दो में से कितने बार हेड आया, एक बार, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ पे एन सी आर ये बन हो जाएगा, और फिर हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये एन माइनस आर यानी कि 2 माइनस 1, तो इसको देखिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, और ये आ जाएगा 1/2, और ये भी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2, देखिए 1/2 यहाँ पर इसे सोल्व करोगे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा वाला देखिए सोल्व कर लेंगे, यानी कि तो यहाँ पे एन कितना है, कितने बार उछाला है, दो बार, और कितने बार हेड आया, दो ही बार हेड आ गया, तो यहाँ पे पी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर एन आर, आर कितना है यहाँ पर 2, और ये की पावर एन माइनस आर, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए सोल्व करेंगे एन सी एन, एन सी एन का मान भी जो होता है बना होता है, इसे आप फॉर्मूले के रूप में याद कर लीजिए, एन सी एन इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1/4, और जिसकी यहाँ 0 होती है उसका मान 1, कितना आ गया 1/4 देखिए आ गया। तो इससे हम जैसे अगला जो क्वेश्चन है वो हम इसी मेथड से करेंगे, क्योंकि तीन सिक्कों के एक साथ उछाला, चलो तीन सिक्के भी हम कर बना लेंगे, लेकिन जब ज़्यादा सिक्के आ जाएंगे तो ये वाला जो मेथड है, ये वाला, ये फर्स्ट वाला मेथड फेल हो जाएगा, तो हमें इसलिए सेकेंड वाले मेथड से ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट क्या, तीन सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने में पटों की संख्या, पट बोले तो टेल, यानी कि टेल की हमें निकालनी है, ठीक है। एक साथ तीन सिक्कों, तो एक साथ तीन सिक्कों को उछालेंगे तो क्या हुआ, तीन सिक्के क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, तो हो सकता है एक बार भी टेल ना आए, और हो सकता है एक बार टेल, देखिए पहले एक बार भी टेल नहीं, फिर एक टेल वाले केस बना लिया हमने, उसके बाद दो टेल वाले बना लिए, और उसके बाद हमने तीन टेल वाले के लिए, ठीक है, एक टाल वाले भी नहीं, एक टाल वा टेल वाले, दो टेल वाले, तीन, एक टेल भी नहीं, एक टेल वाले तीन केस हो गए, फिर दो टेल वाले तीन केस हो गए, तीन टेल वाले एक केस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, एक वो चाहे पटों की संख्या का, तो इसमें बंटन निकालना पटों की संख्या, तो इसे हम एक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं एक्स, तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे कि एक बार भी टेल आया हो, एक बार टेल आया हो, दो बार टेल आया हो, और तीन बार, यानी कि तीन सिक्कों को एक साथ, हो सकता है एक सिक्के पर भी टेल ना आए, हो सकता है एक सिक्के पर टेल आ जाए तीन में से, हो सकता है दो पे आ जाए, हो सकता है तीन पे आ जाए, तो एक बार भी टेल नहीं है, सॉरी एक बार भी पट हैड टेल, हाँ पट का मतलब टेल हो गया, एक बार भी टेल नहीं है, ऐसे कितने केस हैं, एक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। अब यहाँ पे नंबर एक टेल वाले केस देखिए कितने, एक टेल वाले कितने केस हैं यहाँ पे, एक टेल वाला केस एक ये है, एक दो और तीन, तो एक टेल वाले कितने केस हैं यहाँ पर, तीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। उसके बाद दो टेल वाले, तो दो टेल वाले कितने केस हैं ये भी देख लेते हैं, तो दो टेल वाला केस है एक दो तीन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। उसके बाद लास्ट वाला है एक टेल दो टेल तीन टेल वाला, तो तीन टेल वाले कितने केस हैं ये देख लेते हैं, तो तीन टेल वाला जो केस है वो केवल एक ही है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। यहाँ पर देख लीजिए सबका जोड़ जो है वो कितना बन आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर सबके प्रोबेबिलिटी का जोड़ बन बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोटा क्वेश्चन तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा आएगा तो हमें जो है वो अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। जैसे ये अलग क्वेश्चन हम करेंगे, एक सिक्के को चार उछालों पर चित्तों की संख्या, देखिए इसका जो मैं कराऊंगा इसी को हम इसी वाले जो हमने अभी आपको बताया था उसी तरीके से करेंगे, तो चार उछालों पर चित्तों की संख्या यानी कि हेड की संख्या, ठीक है, तो इसमें एक्स क्या क्या हो सकता है, एक बार भी हेड ना आए, एक हेड आए, दो हेड आए, तीन हेड आए और चार हेड आए, अब हम इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इसकी टेबल यहाँ पर बन जाएगी ऐसे करके, प्रोबेबिलिटी हम निकाल के यहाँ पर रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने मान लेंगे एक्स और ये वाई, पहला कॉलम क्या हुआ एक बार भी हेड ना आए, दूसरा कॉलम क्या एक बार हेड आए, तीसरा कॉलम होगा दो बार हेड आए, और फिर चौथा कॉलम होगा तीन बार हेड आए, और ये होगा चार बार हेड आए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ये एक मैं निकाल कर आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर इसी प्रकार आप निकाल लेंगे,
तो एक्स बराबर जीरो का मतलब एक बार भी हेड ना आए। टोटल कितने बार उछाला हमने? 4 बार। कितने बार हेड आया? एक बार भी नहीं आया। उसके बाद आता पी, पी यानी सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 की पावर आर। आर ये जो नीचे वाला ये आर होता है, इंटू में क्या आएगा? फेलियर। जब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी वही 1/2, ठीक है। वो कितनी होती है? एन माइनस आर, यानी कि 4 माइनस 0। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे कितना आएगा? 4c0। अभी बताया था हमने 1 होता है, जिसकी हाथ 0 होती है वो भी 1 होता है, और यहाँ पर 1/2 की पावर 4, ये हो जाएगा 1/16। तो कितना आ गया आंसर? 1/16। तो यहाँ पे इसका आ गया 1/16। तो मैं और जो है वो मैं सोल्व यहाँ पे कर देता हूँ, और मैं सोल्यूशन अभी आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसका देखिए सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर पटों की संख्या, यानी कि चित्त पट, यानी कि टेल की संख्या, ठीक है। 3 सिक्कों को, हाँ ये तो सेकंड वाला हो गया, ये तो करा दिया था मैंने, तीन वाला, चार वाला करा रहे थे, चार वाला नीचे है, चार वाला वो। तो जब 4 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है कि एक बार भी हेड, उसमें हेड की थी पूछा था, तो हो सकता है एक बार भी हेड ना आए। 4 सिक्कों को 4 उछालों में चितों की संख्या यानी हेड की संख्या, हो सकता है एक बार हेड आए, 2 बार हेड आए, 3 बार हेड आए, 4 बार हेड आए। तो एक बार भी हेड ना आए, इसके लिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 4 में से 1 बार हेड आता है तो इस तरह सॉल्व करेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। कैसे सोल्व करना? 4c1, 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर n-1। 4c1 का मतलब होता है एक बार खोलना है इसको। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला इसका एक बार और आपको बता दूँ। फॉर्मूला ये होता है, ncr यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ncr बराबर होता है nc n-r। यानी कि जैसे मैं यहाँ लिख के बता दूँ, जैसे मान लीजिए 5 5c2 है, आपको इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या होगा? इसको लिखेंगे 5 × 4, यानी एक कम करके लिखेंगे, कहाँ तक? जितनी संख्या नीचे लिखी होगी उसको एक तक। तो इसे इस तरह, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 6c4, तो 6c4 को हम पहले लिखेंगे 6c2। ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, ठीक है। 6c2, और इसको कैसे खोलेंगे? पहले 6×5/2×1। जैसे और मान लीजिए, मैं एक और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको 8c5 खोलना है, 8c5 कैसे खोलेंगे? पहले लिखेंगे 8c5 को, 8c8 में से 5 गया 3, ठीक है। वो घटा के लिख देते हैं, ये फॉर्मूला होता है ncr = ncn-r। और उसके बाद इसे 3 बार खोलना, कैसे? 8×7×6, और नीचे वाले को खोलना होता है एक तक, 3×2×1। ये जो है बाइनोमल में फॉर्मूला है, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, 8 × 7 = 56, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसी रूल को फॉलो करा हमने, x = 2 के लिए 4c2, 4c2 को 2 बार खोला, या ये 4 3, और नीचे वाले को लिखते हैं एक तक, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसमें से क्या इसको सोल्व कर दिया, आंसर ये आ गया। अब देखिए 4 में से 3 बार 4c3, तो 4c3 को मैं सोल्व कर देता हूँ। तो 4c3 को पहले लिख सकते हैं 4c1, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा फिर? 1/2 की पावर q ऐसी रहेगा, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1। सोल्व करेंगे, देखिए 4c1 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1/8, और ये 1/2, यानी 4/16। कितना जाएगा ये? 4/16, ठीक है। कितना हो गया? 4/16। अब देखिए इन सबको हम जो है लिख लेते हैं, तो यहाँ पर सबको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या आया था? 1/16। दूसरा वाला क्या था? 4/16। और तीसरा दो वाला कितना था? 1/6। उसके बाद देखिए तीसरा तीन वाला था, अभी निकाला हमने, 4/16, और एक वाला 1/16। अब देखिए इन सबकी जो प्रायिकता है, उन सबका जो टोटल है ये इनका 1 होना चाहिए। तो 6 4 10, अरे 11 4 15 16/16, इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हेलो
फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, एक फांसे को दो बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। प्रायिकता बंटन का मतलब हमें रैंडम वेरिएबल निकालने हैं और उन रैंडम वेरिएबल पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या है, चार से बड़ी संख्या होना को एक सफलता माना गया। तो चार से बड़ी संख्या होने के रैंडम वेरिएबल क्या हो सकते हैं, पहले ये बताएंगे। देखिए चार से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 और 6 होती है, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल क्या बनेंगे, देखिए रैंडम वेरिएबल का मतलब एक्स। तो चार से बड़ी कोई संख्या एक भी ना हो ऐसा हो सकता है, 0 हो सकता है, और चार से बड़ी संख्या एक हो, यानी कि पहले पे एक किसी एक पासे पे चार से बड़ी आए, पहले पे कुछ और आ जाए, दूसरे पे कुछ अलग, ठीक है, या चार से बड़ी दोनों संख्याएं आ जाए, ये तो होगा रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब इन पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए तो पहले चार से बड़ी संख्या क्या, 5 और 6, तो चार से बड़ी अंक आने की जो प्रायिकता होगी एक पासे पर वो कितनी होगी, चार से बड़े होंगे 5 और 6, तो चार से बड़ा अंक आने की जो प्रायिकता होगी पी बराबर, यानी जो हम चाह रहे हैं वो 2 अंक है, टोटल कितने हैं 6, यानी कि 1/3, और चार से बड़ा अंक न आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 में से इसे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी 2/3, तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसके बाद हम इसका प्रायिकता बंटन बनाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जब एक बार भी 5 से बड़ा अंक नहीं आया है, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एन होता है टोटल कितने बार उछाला गया है, आर वो चीज़ जो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, पी होती है जो हमसे पूछा, सक्सेस की पूछा तो पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी, और क्यू जो होगी वो फेलर की होगी, ठीक है, और अगर हमें फेलर की पूछा तो पी फेलर की होगी और क्यू सक्सेस की होगी। तो हमसे क्या पूछा, ये पूछा हमसे कि एक्स एक बार भी, ये ब्रैकेट, एक बार भी जो है 5 या 6 अंक नहीं आया है, ठीक है, तो कितने बार उछाला पासे को, 2 बार, 2 में से क्या है, एक बार भी 5 या 6 नहीं आया, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, और इसके ऊपर क्या आएगा, आर, आर कितना है यहाँ पे, 0, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, इसके ऊपर क्या आएगा, एन सी आर की पावर एन माइनस आर, यानी 2 - 0, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा, एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार 5 या 6 आया, तो इसे कैसे करेंगे, 2c1, और यहाँ पर देखिए 1/3 की पावर 1 इंटू 2/3 की पावर 2 - 1, अब इसको यहाँ सॉल्व करके हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से तीसरा वाला क्या आएगा, 2 बार, यानी दोनों पासों में जो है 5 या 6 आया, यानी 2 बार उछाला और दोनों में ही क्या आ गया, 5 या 6 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर, अब यहाँ से 2 - 2, यानी कि हो जाएगा 0, अब इनको सॉल्व करके हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। एक तरीका होता यह है, दूसरा तरीका यह है कि अगर मान लीजिए देखिए 2 पास यहाँ पर उछाले, 2 की जगह 3 उछाल देता, 4 उछाल देता, तो हमें इसी तरीके से करते, ठीक है। अब चूंकि कम है ये हम दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम सैम्पल स्पेस लिख लेंगे पूरा 36 का, उसके बाद चार से बड़ी संख्या, जब कोई भी चार से बड़ी संख्या ना है वो केस देख लेंगे, और उसके बाद जो चार से बड़ी एक संख्या है तो वो केस देख लेंगे, और चार से बड़ी अगर दोनों संख्याएं हैं तो वो केस देख लेंगे, तो उससे भी हम इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने कैलकुलेशन करनी है, एन सी जीरो की वैल्यू हमने तुम्हें पहले ही बताई थी कितनी होती है, 1, एन सी जीरो कितना होता है, एन सी जीरो भी 1 होता है और एन सी एन है वो भी 1 होता है, ठीक है। एन सी जीरो की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 आ गई, और जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 की पावर स्क्वायर हो गया 4, वो 3 का स्क्वायर हो गया, यानी 4/9 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हमने ये कैंसिल कर, ये सॉल्व कर लिया, 2c1 एक बार खोलेंगे 2, 1/3 आ गया 4/9, इस तरह से कैंसिल करा 1/9। तो ये एक्स जो कहलाता है वो रैंडम वेरिएबल, और पी जो कहलाता है प्रोबेबिलिटी, यानी यादृच्छिक चर। तो यादृच्छिक चर क्या हमारे, 0, 1 और 2, ठीक है। तो एक भी बार यानी कि 4 या 5 से 4 से बड़ी संख्या नहीं आई है, एक बार भी 4 से बड़ी संख्या नहीं आई है, इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 4/9, ठीक। एक अंक 4 से बड़ा आया, इसकी प्रायिकता कितनी है, 4/9, और दोनों अंक 4 से बड़े आए हैं, इसकी प्रायिकता है 1/9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंश को जोड़ेंगे, यानी सबका जो योग है वो बना रहा, इसका मतलब ये जो प्रायिकता बंटन है वो बिल्कुल सही है। यहीं पे जो दूसरा मेथड है वो आपको ये दिख रहा होगा, इसके लिए हमें सैंपल स्पेस निकालने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने निकाल कर रख दिए हैं। इसमें क्या है, सैंपल स्पेस निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है,
ठीक है, यहाँ देखिए मैंने निकाल कर रख दी है, तो आपको लगा होगा कि जल्दी निकल गए, लेकिन जब आप निकालते हैं तो इसे लिखने में टाइम निकलता है, ठीक है। और यहाँ चलो दो पासे हैं तो एक बार को हमने लिख लिया, लेकिन अगर तीन पासे आ जाएं या चार आ जाएं तो वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला मेथड को अवॉइड करें, ये वाला ज़्यादा सही है। अब इसमें देखिए जैसे इससे कैसे करते हैं, चार से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया, यानी क्या होगा इसका रैंडम वेरिएबल, एक भी अंक चार से बड़ा ना हो, तो जो पीले वाले आपको दिख रहे हैं इसमें एक भी अंक जो है चार से बड़ा नहीं है, तो कितने केस हो गए ऐसे, 16 केस हो गए, तो ये 16/36 यानी 16 का कितना जाएगा, 4/9, देखिए आ गया है, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर देख लीजिए, ठीक, दूसरी बात देखिए, एक अंक चार या पाँच से बड़ा है, एक अंक चार से बड़ा है, तो ये जो ये आसमानी वाले हैं ये गिल्ली की, ये कितने 16, टोटल 16 हैं, टोटल कितने, यानी कि जो चार से बड़ा एक अंक है वो कितने 16, टोटल कितने 36, चार से काट देंगे, 4 16 4 9 36, देखिए ये भी 4/9 आ गया, ठीक है ये देखो आ गया। अब दोनों अंक चार से बड़े हों तो चार से दोनों अंक कौन से हैं, एक तो ये वाला है, ये है, एक ये है, ये ऐसे चार केस हैं, ठीक है, तो 4/36, 4/36 को हम सोल्व करेंगे 1/9, देखिए, तो आप चाहे इस तरीके से कर लें चाहे इस तरह से कर लें, अगर दो वाला आता तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दो से ज़्यादा तीन पास से आते हैं, चार पास आते हैं, तो आप इसी मेथड को अप्लाई करें। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को एक सफलता माना गया है। देखिए पासे पर संख्या 6 प्रकट होना एक सफलता माना गया, तो ये टेबल बनी हुई है, मैं इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे कर देता हूँ इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप इसको पूरी डिटेल से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात वही है कि रैंडम वेरिएबल क्या होंगे इसके, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना एक सफलता माना गया, यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक बार भी 6 ना आया हो, यानी कि हमने दो पासे उछाले, ठीक है, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना, यानी दो पासे हमने एक साथ उछाले और एक बार भी 6 नहीं आया हो सकता है कि एक बार 6 आ गया हो और हो सकता है दो बार यानी दोनों बार 6 आ गया हो। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कितने केस हैं जिसमें एक बार भी 6 नहीं आया, तो आप इसमें देख लीजिए कौन कौन से केस ऐसे हैं जिसमें एक बार भी 6 नहीं आया, तो एक बार भी 6 नहीं आया, पासे प्रकट संख्या 6 प्रकट होना, तो ऐसे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहाँ से 21 22 23 24 25, तो 25 केस ऐसे हैं जिसमें एक बार भी 6 नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 25/36। आप इसको इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि n=2 हो जाएगा और ये 0, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप और 6 पासे पर 6 प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 पासे पर 6 प्रकट होने की प्रायिकता होगी 1/1/6, और 6 प्रकट ना होने की 5/6, तो पी बराबर 1/5, 1/6 आएगा, क्यू बराबर 5/6, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप देखिए दूसरा क्या है, एक पासे पर छाया हो, तो आप एक पैसे पासे पर 6 वाले देख लीजिए कितने हैं जिसमें एक पासे पर छाया हो, तो वो कौन सा है, एक तो ये वाला है, 1 2 3 और एक ये है 4 और एक ये 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे कितने हो गए 10, इसके पर एक पासे पे 6 वाले कितने होगा, 10 केस, यानी 10/36। और ऐसा कौन सा केस है जिसमें दोनों पासे पे 6 वो केवल एक है, ये वाला, ये हो जाएगा 1/36। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड, तो ये हो गया इसका प्रायिकता बंटन, जोड़कर देखेंगे तो इन सबकी प्रायिकता का जोड़ कितना आ रहा, बना रहा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ये देख लीजिए आप, 30 बल्बों के एक ढेर में से 6 बल्ब खराब है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 सही हो गए, इसका मतलब 6 बल्ब कैसे हो गए, खराब हो गए, ठीक। 4 बल्बों के एक नमूना यदृच्छ बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है, यानी 4 बल्ब इसमें से निकाले जाते हैं, ठीक है, खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन याद कीजिए। अब देखिए खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन क्या हुआ, हो सकता है कि जो 4 बल्ब निकाले हैं उसमें से एक भी बल्ब खराब ना हो, और हो सकता है 4 में से 1 बल्ब खराब हो, ये हो सकता है 4 में से कितने बल्ब खराब हो, 2 खराब हो सकता है 4 में से 3 बल्ब खराब हो, और हो सकता है जो 4 बल्ब निकालें चारों के चारों खराब हो, तो ये हो गया इसका रैंडम वेरिएबल क्या हुआ, 0 1 2 3 4, तो एक भी बल्ब खराब नहीं, एक भी बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब सारे बल्ब सही हैं, सही कितने हैं 24, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 24/36। तो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं बिना इसके भी, लेकिन इसमें आगे वालों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसको कैसे करना मैं इसी सूत्र से करूँगा,
पीई इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया हमने, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो बिना इसके भी हम कर सकते हैं इसको और इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कराऊंगा। तो आप देखिए इसको क्या करना, हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू जीरो। कैसे निकलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू जीरो? एन कितना, चार बल्ब चुनने हैं हमें, कितने चुनने, चार। तो एन बराबर हो गया चार, चार में से क्या एक भी खराब नहीं है। तो पहले खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी, कुल छः बल्ब, खराब बल्ब कितने हैं, छः। जो हमसे पूछा उसी को पहले मानना, ठीक है। खराब पूछा तो पी को खराब मानना, सही पूछता तो पी को सही मानते। 6/36 यानी कि 1/6। तो सही बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक। तो यहाँ पर अब इसमें फॉर्मूले फिट कर देते हैं। एन सी आर पी की जगह कितना है, 1/6 की पावर 0 × 5/6 की पावर आर एन माइनस आर, एन माइनस आर का मतलब 4 - 0। तो इस तरह से ये सारा मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल बल्ब जो है वो 30 है, तो 36 की जगह यहाँ पर हम 30 कर देते हैं, क्योंकि टोटल बल्ब कितने हैं, 30 है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो टोटल बल्ब कितने हैं यहाँ पर, 30 है। तो यहाँ पर हम 30 कर देते हैं, तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। टोटल बल्ब 30 है, तो नीचे कितना जाएगा सोल्व के, मैं लिख देता हूँ, यह 30 तो 6 × 30 यानी 1/5 आएगा। और ख़राब बल्ब की हो जाएगी 5 × 5 यानी कि 4/5, 4/5। तो खराब बल्ब की हो जाएगी प्रायिकता 4/5। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, सही बल्ब 1/5 आएगा और यहाँ पर आएगा 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो गई, 4/5 की पावर 4, 4 की 4 चौक 16 चौका 64, और 64 चौका इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से मैं सभी सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ कैलकुलेशन मैंने कर दी, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। तो x1 4c1 ये हमने बताई दिया था। अब देखिए x = 2p, 4c2, और यहाँ पर ये p की वैल्यू 1/5 और यहाँ पर q की वैल्यू 4/5, ये हो गया n माइनस आर। 4c2 का मतलब दो बार खोलना, 4 × 3 और नीचे 2 को एक तरफ, 2 × 1, 2 से काट दिया, 2 × 4, और इसे 1/5 का स्क्वायर हो गया 1/25, और 4/5 का स्क्वायर ये 16/25, 16 आ गया 96/25। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर देखिए 4c3 को हम पहले लिख सकते हैं 4c1, और 4c1 को एक बार खोलेंगे तो रह गया 4, तो 4 × 16 आ गया, और यहाँ पे 125 पंजे 625। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर देखिए 4c4 यानी NCN का मान कितना होता है 1, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। NCN कितना होता है, NCN इजिकल टू होता है 1, तो 4c4 की वैल्यू 1। और एक फॉर्मूला ये भी यूज हो रहा है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, NCN - R। ये तब यूज करते हैं जब नीचे नंबर बड़ा हो, ठीक है। तो इसे छोटा करने के लिए ये वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 625 आ गया, फोर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 1 हो गई, इसकी सोल्व करके 625 आ गया, और ये 0 है घात है तो यहाँ पर 1 आ गया। तो टोट मल्टीप्लाई कराइए, ये सब हमने जो है यहाँ पर रख दिया। तो इन सब का हम देख रहे हैं कि ये जो है सब का टोटल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रायिकता बंटन सही है। तो दिस इज नोन एज प्रायिकता बंटन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर देखिए। एक सिक्का सर्वे संतुलित नहीं है, यानी कि ये जो सिक्का है वो बाइस्ड है यानी कि खोटा सिक्का है, जिसमें चित प्रकट होने की जो संभावना है, पट प्रकट होने की संभावना से 3 गुनी है, यानी कि इसमें जो है चित प्रकट होने की जो संभावना है यानी हेड आने की जो संभावना है वो टेल की संभावना से 3 गुनी है। अब हमने यहाँ पर देखिए टेल की संभावना मान ली वो एक्स मान ली, तो इसके अनुसार जो हेड की संभावना होगी वो 3 गुनी होगी यानी इसकी 3 गुना। अगर ये एक्स है तो इसकी 3x। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का बंटन ज्ञात कीजिए। जब सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो हो सकता है कि एक बार भी पट ना आए, हो सकता है कि एक बार पटा जाए, हो सकता है 2 बार पटा जाए। तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल 0, 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ से हमें इससे क्या पूछा, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है। सिक्कों पर 2 बार उछाला जाता है पटों की संख्या, क्या पूछा, पटों की संख्या। तो पटों की संख्या पूछा तो पी जो मानना हमें पटों की संख्या मानना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो हमसे पूछेगा वही हमें पी लेना है,
ठीक है, अगर हमसे चित पूछता तो हम पी जो लेते वो चितों के लिए लेते, अब हमें पटों की संख्या पूछी है इसलिए पी जो लिया हमने पटों की संख्या के लिए लिया, तो पट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो पट कितने यहाँ पर एक्स, टोटल टोटल कितने होगा 3x + x 4x, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। इसी प्रकार से देखिए अगर पट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो चित आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 - 1/4, या यहाँ से देख लीजिए हेड कितनी है 3 है, टोटल कितने होगा 4, तो 3/4 है, ये हो गई। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमें देखिए वही फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने बताया था आपको, ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम करेंगे आराम से। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 का मतलब जब एक बार भी चित नहीं आया, यानी एक बार भी टेल नहीं आया, तो यहाँ पर कितनी बार उछाला गया 2 बार, 2 में से 1 बार भी टेल नहीं आया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, और टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, और यहाँ पे क्या आता है ये आर आ जाता है, यहाँ पे n - r आ जाता है। तो इसको देखिए एन सी 0 की वैल्यू 1, हम पहले कई बार बता चुके हैं, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू भी 1, और ये 3/4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/16। इसी तरह से जब 2 बार हमने उछाला और 1 बार जो है टेल आ गया, यानी 1 बार पट आ गया, तो 2c1 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 की पावर 1 हो जाएगा, टेल में आने की प्रोबेबिलिटी 2 - 1, इनको सोल्व करा 2c1 का मतलब 1 बार खोलना तो 2 हो गया, 1/4 ये आ गया, और ये 3/4 यानी 3/4 ये आ गया, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई 2 3 6 4 4 16, यानी 6/16 आ गया। इसी प्रकार से देखिए हमने 2 बार सिक्का उछाला, दोनों बार ही टेल आ गया, 2 बार सिक्का उछाला, दोनों बार ही क्या आ गया टेल आ गया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर r, r कितना यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई टेल लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी 3/4, ये कितना हो जाएगा n - r। तो एन सी एन की वैल्यू हमने बताई थी 1 होती है, यानी ऊपर या नीचे वैल्यू सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर कराया 1/16, इसकी यहाँ 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो इसकी भी 1 हो गया 1/16 हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पर रख दिए 9/16 और 6/16 और 1/16, 9 और 6 15 1/16, यानी कि इसकी जो प्रायिकताओं का योग बना रहा है, तो इसका मतलब ये प्रायिकता वितरण, प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही हमसे इसे हम बोलते हैं 1 टन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान क्वेश्चन है। यादृच्छिक चर एक्स का प्रायिकता बंटन नीचे दिया, यानी कि अब तक जो हमने प्रायिकता बंटन निकालते थे वो हमें आपके क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो सबसे पहले पूछा हमसे कि, तो के का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि पी एक्स की जितनी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता उन सबका जो जोड़ होता है वो 1 होता है। तो देखिए हम यहाँ लिखा एक्स इक्वल टू 0 से कहाँ तक, एक्स इक्वल टू 7, तो इन सब की प्रायिकताओं का जो योग होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो एक्स इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 है, एक्स इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है के है, यहाँ पर दे रखी है। एक्स इक्वल टू 3 पे कितनी है 2k, फिर ऐसी 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे, और ये 7 पे, ठीक है ये हमें पूरी दे रखी है 6 पे 7 पे, और इन सबका जोड़ कितना हो गया 1 हो गया। अब जैसे हमने सब कुछ सॉल्व किया तो 10k² + 9k - 1, इससे गुणनखंड हो गया 10 - 1, 10 में से 1 गया 9, और ये हमने फैक्टर कर लिया, देखिए यहाँ पे तो यहाँ से 10 कॉमन आ गया 10k, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, तो k+1 और 10k - 1, k की वैल्यू 1 - 1 आई और 1 आई 1/10। अब देखिए k की जो -1 वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अगर k की वैल्यू माइनस होगी तो यहाँ प्रायिकता माइनस में जाएगी, जो कि संभव नहीं है, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए k माइनस जो है ये हमने छोड़ दिया। तो क्या लिया k = 1/10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा देखिए x क्या है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा क्या क्या होता है 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है, तो इन सबको हम प्लस कर देंगे तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो 0 पर 0 है, 1 पे k है और 2 पे 2k, इन सब की वैल्यू हमने 3k हो गया, k की जगह 1/10 रख दिया, आंसर आ गया 3/10। थर्ड पार्ट है x जो है बड़ा है 6 से, तो 6 से बड़ा क्या है यहाँ पर देखिए टेबल में, 6 से बड़ा केवल एक ही है 7, तो 6 से x > 6, तो इसका मतलब x = 7, और 7 के लिए क्या दे रखा हमें 7k² + k, यहाँ पर k की वैल्यू 1/10 हमने डाल दी, इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया, यह आ गया 17/100। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा देखिए फोर्थ पार्ट, एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, तो 0 से बड़ी और 3 से छोटी क्या होगी 1 और 2। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 पर कितनी दे रखा k दे रखा, एक्स इक्वल टू 2 पर कितना दे रखा 2k, k
कितना हो गया, 3 के, के की जगह 1/10 रख दिया तो 3/10 इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। एक यादृच्छिक चर के प्रायिकता बंटन, प्रायिकता फलन एफ एक्स निम्न प्रकार से, जहाँ के कोई संख्या है। तो देखिए फलन इस टाइप से हमें दे रखा है, तो इसको हम टेबल के रूप में पहले लिख लेंगे। टेबल के रूप में कैसे लिखेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स और ये लिख दिया पी। जब एक्स बराबर 0 है कितना है, ये के है, ठीक है। और जब एक्स बराबर 1 है तो ये कितना है, 2 के। एक्स बराबर 1 पर कितना है, 2 के। और एक्स बराबर 2 पर पी कितना है, 3 के। तो इसी तरह हमने टेबल के रूप में इसको लिख लिया। अन्यथा यानी कुछ और है तो उसके लिए क्या है, 0 है। तो सबसे पहले हमें निकाल ली के की वैल्यू। तो जैसा कि अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम इन सब की प्रायिकताओं का योग जो है वो कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। ए पार्ट में के का मान निकालने के लिए क्या करना, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, अन्य दे रखा, ठीक है। और इन सब का जो वैल्यू है वो कितनी, 1 है। तो 0 पर कितनी है, के। और 1 पे कितनी है, 2 के। और 2 पे कितनी है, 3 के। और अन्य पे कितनी है, 0। और इन सब का वन सम कितना होगा, 1 होगा। 2 3 5 और 1 ही हो गया, 6 के बराबर 1। तो के बराबर कितना आ गया, 1/6, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए इसका जो बी पार्ट है, पहले भी हमने किया था बी पार्ट, एक बार फिर देख ले रहे हैं। मेरे को एक्स लेस देन 2, तो एक्स लेस देन 2 का मतलब क्या होगा, 0 और 1। तो क्या है, पी एक्स लेस देन 2, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक्स लेस देन 2 का मतलब होगा पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेस देन 2 का मतलब 1 था। तो 0 पे कितना है, के है। और 1 पे कितना है, 2 के। तो इनको जोड़ा कितना आ गया, 3 के। के की वैल्यू हमने अभी निकाली 1/6, तो 1/6 रखेंगे यहाँ पे, 3 × 1/6, तो 3 दूनी, तो कितना आ गया आंसर, 1/2, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक्स, अब क्या लेस देन इक्वल टू पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2, यानी कि हमें इसमें 2 वाला और केस जोड़ देना। तो इसका आंसर तो हमने निकाला ही था, 2 वाला और निकाल लेंगे, 2 वाला कितना, 3 है। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर इसका आ जाएगा। इस तरह तीसरा वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक्स ग्रेटर देन 2, तो पी क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे क्या क्या लिया जाएगा, देखिए ये होगा पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू अन्य है, अन्य आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 3 के, और प्लस 0, के की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, के की वैल्यू कितनी है, 1/6, तो ये 1/2 आ जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है। इस तरह ये वाला आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। एक न्याय सिक्के को 3 उछालों पर प्राप्त चित्रों की संख्या का माध्य ज्ञानी है। कितने बार उछाला गया आपके, 3 बार उछाला गया। तो जब 3 बार उछाला जाएगा, हो सकता है कि एक बार भी चित ना आए, हो सकता एक बार चित आ जाए, हो सकता 2 बार चित आ जाए, हो सकता 3 बार। तो इसके जो रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर हुए वो 0 1 2 3। अब इन पर हम प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक सिक्के पर चित आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 1/2, और चित ना आने की कितनी होगी, 1/2। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं जैसा कि बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए एक बार भी चित ना आया, 3 बार सिक्का उछाला और एक बार भी चित नहीं आया, तो चित ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और इसमें से 3 में से 0 माइनस कर दिया, सोल्व करा हमने इसको, जिसकी एन सी 0 की वैल्यू 1 और 1/2 की घात 0 की वैल्यू 1, 1/2 की घात 3, 1/8 या आगे 1/8। अब इसमें क्या हुआ, 3 बार सिक्का उछाला, 1 बार चित आ गया, 3 में से 1 बार चित आ गया, तो चित आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, चितना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ 1 ये लिख लेते हैं और यहाँ पे इनका अंतर लिखते हैं, इसको सॉल्व करा हमने, ये आ गया आंसर। वैल्यू
बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू पर कई क्वेश्चन हम इस तरह कर चुके हैं, ये आ गया 3/8, एक्स इक्वल टू 3 पर ये हमने सोल्व कर लिया क्योंकि कई क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, इसलिए अब मैंने ये डायरेक्ट आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए नई बात क्या, माध्य है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में शुरू में आपको बताया था माध्य बराबर होता है म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, ई एक्स से भी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ई एक्स इज इक्वल टू आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n पी आई इंटू एक्स आई। तो सिंपल भाषा में हम कहें तो माध्य का मतलब ये है कि हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले देखिए जीरो किससे मल्टीप्लाई करनी, प्रोबेबिलिटी से। इस तरह वन की किससे करेंगे, इसकी प्रायिकता 1/3 से। तो ऐसे करने से क्या हो जाता है, ये माध्य निकल के आ जाता है। फिर यहाँ पर टू की किससे करनी है, 2 × 3/8। उसके बाद देखिए प्लस का निशान, 3 × 1/8। अब इसको हमें सोल्व कर लेना, पहला तो 0 हो गया, दूसरा हो गया 3/8, तीसरा हो गया 3 × 2 = 6 आ जाएगा 6/8, और देखिए चौथा हो गया 3/8। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 6 × 3 = 9, 9 × 3 = 12, 12/8। अब इसे काट देंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो माध्य कितना हो गया, 3/2 या 1.5, ये कहलाएगा इसका माध्य। तो माध्य कितना आया इसका, 1.5। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बस इनके आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती है और इन सबको जोड़ना होता है। तो यहाँ सिग्मा का मतलब यही होता है, इन सबका जोड़। ठीक है, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n का मतलब आई की जब 1 रखोगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगी, 2 रखोगे तो ये वाला स्टेप, 3 रखोगे तो ये वाला स्टेप, और 4 रखोगे तो ये वाला स्टेप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या, 2 पासे के एक युग्म को उछाला गया, यदि एक्स चक्रों की संख्या को व्यक्त करता है तो एक्स की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। प्रत्याशा से मतलब है माध्य निकालना, मीन निकालना। ठीक है, तो प्रत्याशा निकालने से पहले हमें रैंडम वेरिएबल चाहिए, और रैंडम वेरिएबल क्या होंगे, क्योंकि जब हम 2 पासे को उछालेंगे हो सकता है एक सिक्के पे भी 6 नहीं आए, हो सकता है एक सिक्के पे 6 आ जाए, और हो सकता है दोनों सिक्कों पर 6 आ जाए। तो एक पर सिक्के पर भी 6 नहीं आए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25/36। कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, 6 आने की प्रायिकता होती है 1/6। जैसा कि मैंने कहा था, जो हमसे पूछा जाता है, यहाँ देखिए क्या पूछा, एक्स के प्रत्याशा, एक्स छक्कों की संख्या को, तो 6 आने की प्रायिकता होती है 1/6, और 6 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। ठीक है, तो एक बार भी 6 नहीं आए, 2 बार उछाला उसमें से एक बार भी 6 नहीं आया, पी की पावर 0, और ये 5/6 − 2 − 0, इसको हमने सोल्व किया, एन सी 0 की वैल्यू एन, पावर 1 है तो वो भी एन, ये 5/6 का होल स्क्वायर, तो सोल्व करेंगे 25/36। बिल्कुल ऐसे ही हमने 2 बार उछाला, 2 पासों को उछाला, और दोनों पासों में से एक पासे पर क्या आ गया, 6 आ गया, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 6 आने की प्रायिकता 1/6, 6 न आने की प्रायिकता 5/6, इनका अंतर लिख देते हैं यहाँ पे, इसे हमने सॉल्व किया 10/36। हमने 2 पासों को उछाला और दोनों ही पासों पर क्या आ गया, 6 आ गया, 6 आने की प्रायिकता 1/6, पावर में ये वाले लिख देंगे, 6 न आने की प्रायिकता, इन दोनों का डिफरेंस, ये हमने सोल्व करा, ये आ गया। अब प्रत्याशा का मतलब, जैसे कि हमने अभी बताया था, माध्य ई एक्स, या इसको म्यू भी बोल देते हैं या एक्स बार भी बोल देते हैं। तो ई एक्स पर क्या होता है, इनके आपस में मल्टीप्लाई, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तीसरा इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये हमने मल्टीप्लाई करी, ये 0 आया, ये आ गया, इसको हमने 36 एलसीएम आ गया, 12/36, 12 से काट दिया, 12 × 36, 1/3 इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या देखिए, प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यदृच्छ चुनी जाती हैं। तो प्रथम 6 धन पूर्णांक कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, बिना प्रतिस्थापन के, यानी कि उसको जब अगर चुन लो उसे वापस नहीं रखना है, चुनी गई है। मान लो एक्स दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। एक्स क्या, जो भी आप 2 संख्याएं चुनोगे उसमें जो बड़ा नंबर होगा वो एक्स होगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो खास बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जब आप 2 नंबर, यानी हमारे पास जो नंबर है वो ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक नंबर है। अब जो भी नंबर चुनोगे उसमें एक नंबर जो होना चाहिए दूसरे से बड़ा होना चाहिए। हम ऐसा भी तो चुन सकते हैं 1, 1, ठीक है, यानी पहला 1 लिया हमने, दूसरा नंबर भी 1 ले लिया। तो इस तरह का जो नंबर होगा, ठीक है, अब इस तरह का जो नंबर होगा इनमें से कोई एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा नहीं होगा, तो इस तरह के नंबर पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या लिखा, प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यदृच्छ चुनी गई हैं।
तो जो दो संख्याएं देखिए वो 6 धन पूर्णांकों में से इस प्रकार से चुन सकते हैं, यानी 36 तरीके से हम चुन सकते हैं, लेकिन इसमें ये वाला जो मैंने ये क्रॉस किया है ये वाला पोर्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी नहीं है, इसलिए ये वाली तो संख्या हमने यहाँ से छोड़ दी। यानी कुल मिला के अब जो हमारे पास केस बचे वो बचे 30, टोटल थे 36, 36 में से ये 6 माइनस हो गए यानी 30 बचे। ठीक है, अब उन 30 में से क्या कह रहे हैं कि चुनिए संख्या, मान लो कि एक्स दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। अब हम सबसे पहले जो सुनना है, देखिए दो किस किस से बड़ा है, दो एक से बड़ा है, और इस तरह से इसके जो पिंग ये आसमानी वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला इसमें देखिए जो दो है वो एक से बड़ा है, तो एक्स कितना हो गया यहाँ पे, दो हो गया। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये कितने ऐसे केस कितने, दो, और टोटल कितने हैं यहाँ पर 30, 2/30। ठीक है, अब इसी तरह देखिए तीन, अब तीन कितने से बड़ा हो सकता है, जो पीले वाले आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखिए 4 अंक हैं जो पीले वाले हैं, यानी 4 तरह से हम ये नंबर ले सकते हैं जो जो है एक नंबर से बड़े हैं। तो ये ऐसे कितने केस हैं, 4 हैं, और इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो एक्स होगी, यानी एक्स हो गया 3, 4/30। हम नीचे 30 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल जो नंबर बनेंगे वो 30 बनेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या 4 बड़ा हो, तो 4 वाला देखिए ये जो बैंगनी कलर का है इसमें देखिए 6 केस ऐसे हैं जिसमें 4 बड़ा है, 30 में से 6 केस ऐसे बड़े हैं जिसमें 4 बड़ा है। उसके बाद देखिए जो ग्रीन वाले, देखिए ग्रीन में भी देखिए यहाँ से कितने 8 केस ऐसे हैं जिसमें, इन 30 में से 8 केस ऐसे हैं जिसमें से 5 बड़ा है, तो जो हम चाहते हैं वो ऊपर, टोटल नीचे। अब इसमें देखिए 6 किस से बड़ा है, तो बाकी जो बचे हुए हैं यानी 1 2 3 4 5, 5 इस लाइन में 10, इन 10 केस ऐसे हैं जो एक नंबर अन्य नंबर से बड़े हैं, 10/30। अब जोड़ कर देख लेते हैं, देखिए 10 और 8 18 और 6 24 4 28 2 30, इसका मतलब ये हमारा प्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। साथ में हमसे क्या पूछा, ई एक्स, और ई एक्स क्या होता है इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो ई एक्स में क्या करना पड़ता है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे करके, 2 मल्टीप्लाई 2/30 प्लस, ऐसे सबकी मल्टीप्लाई करनी है, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये नंबर थे 6, 6 में से जो है सेम वाले हमने छोड़ दिए थे, तो इनकी जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एक्स निकल के आ जाएगा। कैसे, इसकी इससे ये वाली ये आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो इनकी मल्टीप्लाई करी, तो आप देखिए इसमें से सब में से क्या करा हमने, 30 कॉमन ले लिया, 1/30 कॉमन ले लिया, या कितना हो गया, 2 दूनी 4 आ गया, 3 चौक 12 आ गया, 4 छक 24 आ गया, और 8 पंजे 40 आ गया, 6 ढाई 60, इन सबको जोड़ा आया 140, 0 से 0 काट दिया, 14/3 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्क्रीन पे है, मान लीजिए दो पासों को फेंकने में प्राप्त संख्याओं का योग को एक्स से निरूपित करता है। तो भाई जब दो पासों को हम फेंकेंगे तो योग क्या क्या आ सकता है, योग देखिए 2 आ सकता है 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 12 से ज़्यादा योग नहीं आ सकता। ठीक है, एक्स का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करो। तो प्रसरण निकालने के लिए पहले हमें चाहिए, देखिए यादृच्छिक चर हमारा निकल गया रैंडम वेरिएबल, अब हमें इनकी प्रायिकता चाहिए। तो योग 2 कितनों पर आ रहा, केवल 1 पे आ रहा, किस पे, 1,1 पे। योग 3 कितनों पर आ रहा, योग 3 आएगा 2, 1, 1, 2। योग 4 कितने पर आएगा, 3 पर आएगा, कैसे, 2, 2 और 3, 1, 1, 3। इसी तरह योग 4 कितने पर आएगा, योग 4 आएगा 1, 3, 3, 4, 2, 2। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले देखिए योग 2, 2, यहाँ पर आपको जो ये आसमानी वाला है, योग 2 वाला केवल 1 केस है, योग 3 वाले कितने केस हैं, 2, और योग 3 वाले कितने केस हैं, 3 वाले केस है 2, और योग 4 वाले हैं 3 केस, और योग 5 वाले हैं 4 केस। तो यहाँ आप देख लीजिए, आप इस तरह से ये सारे केस जो है यहाँ पे बना लेंगे, तो इस तरह से योग 6 वाले कितने केस आएंगे, योग 6 वाले आएंगे 5 केस। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग से बना सकते हैं, जैसे 6 वाले के 5 कैसे कैसे करेंगे, 1, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 2, इस तरह से, तो कुल मिला के 4, 1, 1, 4, तो 5, 1 और 5, 1, 6 आ जाएंगे। इस तरह योग 7 वाले 6 केस आएंगे, 8 वाले 5 केस आएंगे, 9 वाले 4 केस आएंगे, 10 वाले 3 केस आएंगे, 11 वाले 2 केस, कौन से, 6, 5, 5, 6, और 12 वाला केवल 1 ही केस होगा, 6, 6। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, इसका माध्य,
प्रश्न प्रश्न के लिए पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य के लिए इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करी ऐसे करके, इसकी इससे कर देंगे, इसकी इससे आपस में यहाँ तक ये मल्टीप्लाई करेंगे सबकी। वो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये इनमें से 1/36 सब कॉमन ले लेंगे और अंदर वालों को इन्हें यहाँ तक सबको प्लस कर देंगे। तो यहाँ से इनको प्लस करेंगे आएगा 252 और इसको हम 36 से काटेंगे 7 ये आ जाएगा। यहीं पे ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर का मतलब ये है कि एक्स को स्क्वायर करना और फिर इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका स्क्वायर किया देखिए 36 से मल्टीप्लाई, तो 36 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9, इसका वर्ग कर गए और बाद में इससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 4, 3, 2, 1 इससे मल्टीप्लाई सबको मल्टीप्लाई करके योग करके आ जाएगा ये। ठीक है, इसको 36 से भाग 6 से भाग दे देंगे, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, 6 नम 6 दूनी 12 और यहाँ बचे 5 12, 7 बचे 6 छंग 36, ये है 6 दूनी 12, 12 ये बचेंगे 7। तो इसे मैं देख लेता हूँ, यहाँ देखिए 6 छंग 36 और 6 3 18 एक बचा और ये हो गया 17, 6 दूनी 12 ठीक, 5 बचा 6 नम 54 यानी 6 329/6 ठीक है। अब हमें क्या निकालना, प्रश्न निकालना और मानक विचलन निकालना। तो प्रश्न का सूत्र होता है, मैं ये क्वेश्चन यहाँ से हटा देता हूँ। तो प्रश्न और मानक विचलन कैसे निकालेंगे उसका सूत्र है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उससे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ से हटा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए एक्स का प्रश्न का ये फॉर्मूला है, वेरियंस के वेरियंस एक्स सॉरी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर ये हमने कैलकुलेट किया था, ये निकाला था हमने 329/6, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया 329/6 और ई एक्स हम निकाल चुके हैं 7, यहाँ हमने 7 लिख दिया, 7 का स्क्वायर हो गया 49, एलसीएम लेंगे तो 6 से और इसकी मल्टीप्लाई करेगी, ये हो जाएगा 294, 329 में से 294 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35/6, इसको डिवाइड करेंगे 5.83। मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जो वेरियंस होता है उसका वर्गमूल होता है, तो 5.83 का वर्गमूल हम निकालेंगे वो आएगा 2.414, ये हो गया इसका मानक विचलन। चलिए हम देखते हैं, अगर आपको ये स्क्वायर रूट निकालना सीखना तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो पहले हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं पहले कौन। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आयु क्रमशः ये दे रखी है, ठीक है 20 21 इस तरह से दे रखी है। एक छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की जो संभावना है वो समान है, तो चुने गए छात्रों की आयु एक्स लिखा गया, यानी जो चुने गए छात्र हैं उनकी आयु को एक्स, यानी यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है छात्र की आयु है, तो इसका मतलब एक्स कितना हो गया, देखिए कम से कम कितनी आयु है इसमें 14, तो मिनिमम 14 हो गया, और महत्तम आयु कितनी है इसमें, मैक्सिमम है इसमें देखेंगे आप 16 20 17 19 20 17 21 तक है देखिए मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका मतलब 15 आयु भी है इसके अंदर, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है। अब इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, प्रायिकता कैसे निकलेगी, 14 आयु वाले देख लीजिए कितने हैं, तो 14 आयु वाला कितना, एक ये है मैं इसको, 14 आयु वाला 1 2 और ये देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/ टोटल कितने 15 2/15, ठीक है। इसी तरह से आयु 15 वाली प्रायिकता निकाल लीजिए, 15 वाले देख लीजिए कितने हैं, तो 15 वाले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 वाले कितने हैं, तो 15 वाला एक ये है 1 और 1 ही है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/15 1/15। तो इसी प्रकार से हम सबकी जो है प्रायिकता निकाल, ऐसे 16 वाला निकाल लेंगे, 16 वाले देख लेते हैं कितने हैं इसके अंदर, तो 16 वाला है 1 2, तो 2 है तो 2/15, तो इस प्रकार से हम इन सब की जो प्रायिकता निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था, यादृच्छिक चर एक्स की प्रायिकता बंटन याद कीजिए, देखिए प्रायिकता बंटन तो ये आपका आ चुका है, एक्स का माध्य, माध्य कैसे निकालेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे माध्य निकल जाएगा। प्रसरण कैसे निकालेंगे वो अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया था, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। मानक विचलन के लिए उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बिल्कुल सेम अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वही है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आप अपने आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्य यहाँ मैंने निकाल दिया है, माध्य का मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करी देखिए, और इसमें ये कर दी आपस में, इसकी इससे कर दी आपस में, इसकी ये, तो ये माध्य निकल के आ जाता है।
यहाँ से 1/15 कॉमन ले लिया और अंदर सबकी मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया यहाँ तक, तो आया 263/15, इसको भाग दिया 17.533, ये आ गया। अब इसका हमें जो निकालना है माध्य के साथ साथ प्रेषण भी निकालना है, तो प्रेषण और मानक विचलन। प्रेषण निकालने के लिए पहले हमें ई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलता है, एक्स का स्क्वायर करके हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, देखिए सब में, और बाद में प्रोबेबिलिटी से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, स्क्वायर की किसे, प्रोबेबिलिटी से। तो 1/15 कॉमन आ गया और स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने पर देखिए ये नंबर आ गया यहाँ से, इन सबको मैंने जब प्लस किया तो ये आया 4683/15। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, प्रेषण। तो इसका सूत्र मैं लगा देता हूँ जैसा कि पहले क्वेश्चन में लगाया था, और मानक विचलन के लिए उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी वर्गमूल ले लेंगे। चलिए मैं इसे सोल्व कर देता हूँ और क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन यहाँ हमने कर दी है, प्रेषण का ये फॉर्मूला लगा दिया, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर हमने निकाला था ये 86/83/15, और ये एक्स ऊपर निकाल चुके हैं, इसका हमने डिवाइड किया 15 से, इसका डिवाइड करके हमने स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। इसमें से माइनस किया तो 4.782 इसका प्रसरण आ गया, वेरियंस आ गया। और मानक विचलन क्या होता है, जो प्रसरण होता है वेरियंस होता है, इसका वर्गमूल, यानी 4.782 का वर्गमूल लिया, स्क्वायर रूट 2.18 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया, यानी कि सहमति दी, 30% सदस्यों ने विरोध किया, यानी कि उसके अपोजिट में गए। सदस्य को यदि से चुना गया, यदि सदस्य के प्रस्ताव का विरोध किया गया तो एक्स बराबर 0 थे, यानी कि उसका जो रैंडम वेरिएबल 0 है जिसने विरोध किया। ठीक है, और जबकि यदि प्रस्ताव का अनुमोदन किया यानी कि जो पक्ष में थे तो एक्स बराबर 1 लिया गया। ठीक है, तो प्रायिकता क्या है, ये 0 किसका था, जब एक्स विरोध किया तो विरोध की प्रायिकता है 30%, 30% का मतलब 30/100, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/100। और 1 किसके लिए, जब अनुमोदन किया, यदि उसका अनुमोदन किया तो एक्स बराबर 1, अनुमोदन वाले कितने हैं 70%, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 70/100। ठीक है, पूछा क्या हमसे ई एक्स, तो ई एक्स आपको पता ही है, ई एक्स क्या करेंगे हम, केवल इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 30/100 + 1 × 70/100। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये तो 0 हो गया, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कुल मिला के 7/10 इसका आंसर आ गया, इसे भाग दे देंगे तो 0.7। और साथ में हमसे पूछा वेरियंस, वेरियंस के लिए हमें निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर करके हमें पहले वाले का स्क्वायर कर देना, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, अब इसी तरह 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है जी, और सेकंड वाला ऐसे रहेगा 70/100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो फिर ये सोल्व होके यही आ जाएगा, ठीक है, 0.7। ठीक, अब क्या निकालना हमें, वेरियंस। तो एक तो हो गया इसका माध्य, ये तो हो गया माध्य इसका, क्या हो गया ये, एक हमें क्या निकालना, वेरियंस। तो वेरियंस एक्स बराबर क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ई एक्स स्क्वायर ये अभी निकाला हमने 0.7, ई एक्स का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 × 7 = 49, यानी 0.7, इसे माइनस कर देते हैं, 0.70 में से 0.49 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 9 का 1, 6 में से 4 का ये, तो 0.21, तो कितना आ गया वेरियंस, 0.21, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ये बहुविकल वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम इनके आंसर वैसे ही आपको दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें क्या, देखिए एक पासे जिसके 3 फलक पर 1, अन्य 3 पर 2 और एक फलक पर 5 लिखा है, तो उछालने प्राप्त संख्याओं का माध्य हुआ। तो पहले हम प्रायिकता इनकी निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, एक पासे को जिनके 3 फलकों पर 1, यानी कि जैसे पासे में 6 फलक होते हैं लेकिन 3 फलकों पर 1 1 1 ऐसे लिखा है, अन्य 2 पर 2, यानी 2 पर जो लिखे वो दे लिखे, अन्य 3 का मतलब यहाँ पर जो 2 हैं उनमें से 2 पर 2 हैं, और एक फलक पर 5 लिखा है। जब 1 पर 5 लिखा था इसका मतलब 2 पर 2 लिखा होगा। ठीक है, तो 1 कितने पर लिखा, 3 पर लिखा, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, 3/6। 2 कितने पर लिखा, 2 पर लिखा, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/6। अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, कुल 6 हैं
और दो जो लिखा वो दो पे लिखा, पांच कितने पे लिखा, एक पे लिखा है, ठीक है। और माध्य क्या होता है, इन दोनों की आपस में गुणा। देखिए हमने इनकी आपस में गुणा की, 1/6 कॉमन ले लिया, 6 3 9 5, 6 3 7 5 12 बटे 6, यानी 2 इसका राइट आंसर आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए तार सी गड्डी से यदि दो पत्ते निकाले गए हैं, मान लीजिए एक्स इक्यो की संख्या को प्रकट करता है, एक्स क्या करता है, इक्यो की संख्या को प्रकट करता है, तो ई एक्स निकालना। तो इक्के हो सकता है दोनों इक्कों में से एक भी इक्का ना हो सकता है एक इक्का हो, और हो सकता है दोनों इक्के हो, कोई इक्के नहीं है, तो इसका मतलब शेष 48 में से दो पत्ते होंगे और टोटल 52 में से दो होंगे। अरे एक इक्का है तो 4 में से एक इक्का होगा और 48 में से एक होगा, टोटल 52 में से दो होंगे। ये हम कॉम्बिनेशन की सहायता से इसको कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों इक्के होंगे तो 4 में से दो इक्के होंगे, और इधर क्या हुआ, टोटल में से दो इक्के। अनुकूल प्रकार ऊपर, कुल प्रकार नीचे, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। ई एक्स निकालना, तो पहले दूसरे की यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/42 C2 हमने कॉमन ले लिया, 48 C2 को ले सकते हैं। देखिए ये तो 0 हो गया, 4 C1 हो गया 4, 48 C1 कितना हो गया 48, और ये बैठे वाला यह 2 ऐसे ही रहा, ये वाला 4 C2 को दोबारा खोलेंगे, 4 × 3 और नीचे लिखेंगे 2 × 1, तो 2 से काट दिया, 2 × 2 = 4, तो 48 × 2 = 192 और 2 × 6 = 12 जोड़ेंगे, ये आ गया 204, और इसे 2 से काट देंगे तो ये आ गया 26 × 51, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, 51 से 204 को 4 बार काट दिया, फिर 4 से 2 को काट दिया, 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, यानी 2/13 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज के 13.4 के हमने सारे क्वेश्चन बिल्कुल फुल स्टेप के साथ करा दिए हैं, और इससे अगली जो प्रश्नावली 13.5 वो भी हम एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली कराएंगे। वीडियो जरूर लंबी हो जाती है, लेकिन इससे जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी, क्योंकि जब हम एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही मैटर से कराने की, जिससे सभी क्वेश्चन अच्छे से पक्के हो जाएं। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।